वक्त आ गया है पावर्स को मेरे हाथ में लेने का, और वो एकदम से क्लोई के कपड़े को फाड़ देता है और उसको ज़मीन पे गिरा देता है और कहता है, एक विच जो अपनी मैजिकल पावर को यूज़ नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक वुमेन है। क्लोई को हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खतरनाक एनिमे का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम द किंगडम ऑफ रुइंस है। इस एनिमे की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब गॉड ने पूरे वर्ल्ड को बनाया तो उसने इंसानों के अलावा विचेस को भी बनाया था, जिसके पास मैजिकल पावर्स थी और वो इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और गॉड ने विचेस को कहा था, तुम इंसानों को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगे, बल्कि उसकी रक्षा करोगे और उनकी मदद करोगे। विचेस ने भी अपना वादा पूरा निभाया और उन्होंने इंसानों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सब कुछ बदल गया है। वुमेंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो विचेस को पकड़ पकड़ उसको फांसी पर लटका देते हैं। अगले सीन में हमें रेडियो एम्पायर के रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जिसको दो लोग पार कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम एडोनिस होता है और जो कि वुमेन होता है, और एक बीच होती है जिसका नाम क्लोई होता है। एडोनिस क्लोई के भी अंदर मैजिक सीख रहा होता है। वो दोनों कुछ दूर आगे बढ़ते ही हैं कि उसके पीछे रेडिया एम्पायर के एडवांस मिलिट्री फोर्स आ जाते हैं, जिसको क्लोई आसानी से हरा देती है। यह बात जब रेडिया एम्पायर के किंग को पता चलता है और वो अपने एडवांस मिलिट्री फोर्स की मदद से इन दोनों के लोकेशन का पता लगा लेता है और वो अपने सेटेलाइट की मदद से उन दोनों को टेलीपोर्ट कर लेता है। इधर रेडिया एम्पायर का राजा अपने लोगों के सामने बोल रहा होता है कि सालों साल से जो विचेस है वो हमें प्रोटेक्ट करते हुए आ रही है, हमें उसके सामने झुक के रहना पड़ता था, हमें उनसे डर के रहना पड़ता था क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स थी, हमें अपना खुद का लीडर नहीं मिलता था, लेकिन अब और नहीं, हम पहले से काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं, अब हमें इस वर्ल्ड को अपने हाथों में लेना होगा और जितने विचेस है उन सभी को ख़त्म करना होगा। स्पीच ख़त्म होने के बाद एडोनिस और क्लोई को भी उसी स्टेज पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। क्लोई को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, तभी एडोनिस मैजिकल पेन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन आर्मी वाले उसको पकड़ लेते हैं। क्लोई मैजिक का इस्तेमाल करती और बोलती है, तुम एडोनिस को छोड़ दो नहीं तो मैं पूरा रेडियो एम्पायर को तबाह कर दूँगी। तभी क्लोई जैसे ही मैजिक इस्तेमाल करती है उसका मैजिक गायब हो जाता है। इम्पेरेटर बोलता है, तुम अभी तक साइंस के पावर को नहीं समझ पाई हो जो हम लोगों ने बनाई है। इसके बाद रेडियो एम्पायर का किंग क्लोई के पास आता है और बोलता है, अब वक्त आ गया है पावर्स को मेरे हाथ में लेने का, और वो एकदम से क्लोई के कपड़े को फाड़ देता है और उसको ज़मीन पे गिरा देता है और कहता है, एक विच जो अपनी मैजिकल पावर को यूज़ नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक वुमेन है। क्लोई को इस हालत में देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो क्लोई का बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं, उसका फ़ोटो खींचने लगते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ एडोनिस जो होता है उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। एम्पेरेटर बोलता है, ये बच्चा बहुत शोर कर रहा होता, इसको मार दो। क्लोई बोलती है, मैजिस्ट्री इसको छोड़ दो, ये बच्चा है, इसके बदले मुझे मार दो। तभी किंग अपने गन से क्लोई को मार देता है। उसके बाद आर्मी क्लोई पर कंटिन्यूसली गोली चला रहा होता है, जिनको देखकर एडोनिस कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, उसे छोड़ दो। वो लिटरली रोने लगता है। तभी आर्मी में से एक शख्स आता है और क्लोई के सर को धड़ से अलग कर देता है, और उसका राजा क्लोई के सर को उठाकर मेडल की तरह अपने लोगों को दिखाता है और लोग देखकर जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद एडोनिस जो है वो अपने मन में कसम खाता है कि मैं रेडिया एम्पायर को तबाह कर दूंगा और इसमें जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को मार दूंगा। आपको क्या लगता है, क्या एडोनिस अपना पूरा बता ले पाएगा? अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।